है उसका, बहुत खतरनाक गाना है, जब सुनिएगा तो आप देखिएगा तो बड़ा, हम लोगों ने बड़ा खर्चा किया था, 5-6 लाख रुपए सिर्फ एक गाने के लिए खर्चा किया था, तो मजा आएगा आप लोगों को। अभी खेसारी जी ने बोला कि फिल्म के अंदर किसानों की समस्या का दिखाया गया है, तो आपने क्या समस्या का समाधान भी उसमें पेश किया जो सरकार को समझ आए ये फिल्म देखें जो उनको लगे? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार देखिए, सरकार की तरफ से किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं जो सरकार के नुमाइंदे हैं जो लोग गाँव में किसी पोस्ट पर है, तो उस सरकार के थ्रू जो योजनाएं जो गई हैं मार्केट में वो किसानों तक पहुंचे, ये ज़रूरी नहीं है। और उसी को चीज़ों को उजागर करने के लिए लिट्टी चोखा बनाया गया है। केसारी जी का एक नया रूप नज़र आएगा आपको लिट्टी चोखा में, एक ट्रेलर में तो जिस तरीके से केसारी जी ने किया है, एक भोला, एक बहुत ही भोला आदमी जो गांव से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में अचानक ट्रेलर में एक बहुत ही एक डैशिंग हीरो की तरह नज़र आते हैं फाइट करते हुए, तो ट्रेलर की खूबियों में बहुत सारा सस्पेंस, बहुत सारा रहस्य और माटी की खुशबू है लिट्टी चोखा। ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं आप तीनों लोग जाने से पहले, फिल्म को रिलीज से पहले कोई मैसेज अगर आप लोगों का तो प्लीज़ आप लोग? देखिए, लिट्टी चोखा से मेरा रिलेशन मुझे लगता है कि माँ बेटे की तरह, क्योंकि लिट्टी चोखा बेच के ही मेरे जीवन को, और मैं बस बहुत खुश नसीब हूँ कि जिस लिट्टी चोखा का पैसे से मैंने कैसेट गया था, आज उसी लिट्टी चोखा का हीरो हूँ मैं जी। तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है, और मैं बस यही दुनिया से अपील करना चाहता हूँ कि आप हैं तो दुनिया है, ये हम किसान के बेटे हैं, और पूरे यूपी बिहार ही नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ किसान हैं वो हमारे जीवन के सबसे बड़े सूत्रधार हैं, और उन किसानों के सम्मान के लिए इस सिनेमा को आपको ज़रूर देखना चाहिए कि क्या समस्या है, क्योंकि हर आदमी मुझे लगता है जो उन किसानों के समस्या और उस किसानों के धारणा पे नहीं गया है, तो जो धारणा पे नहीं गया है किसानों की समस्या क्या है, अगर लिट्टी चोखा देखेगा तो दुनिया को जरूर समझ में आएगा, और अपनी उपलब्धि समझ में आप सबको आएगी कि हमारे हम किसानों की उपलब्धि क्या है। जरूर प्यार प्रोड्यूसर साहब, एक एक क्वेश्चन आपसे, किसानों की समस्या तो कभी सोचा आपने या भी अभी प्लान किया है कि ये फिल्म किसी नेता को या किसी राजनेता को दिखा के किसानों के हल का या किसी किसान नेता को दिखाया जाए? हाँ बिल्कुल, ये हालांकि हर नेता को या किसी को हम नहीं दिखा सकते, लेकिन फिल्म बंदूक के माध्यम से जब ये सब्सिडी के लिए भी गई हुई है किसी राज्य के, हाँ तो योगी आदित्यनाथ जी से बात भी हुई है, और वो उन समय मिलती वो देखेंगे योगी जी। थैंक यू सो मच। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।